क्या कभी आपने सोचा है कि WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स हमेशा फैंस से उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए एक्नॉलेज मी क्यों कहता है? आप सभी इस बात को लेके मानेंगे कि पिछले 4 साल में हमने सभी ने रोमन रेंग्स को एक्नॉलेज किया होगा, पर रोमन रिंग्स क्यों चाहते हैं कि हम उन्हें एक्नॉलेज करें और कैसे एक्नॉलेज मी रोमन रिंग्स का कैच फ्रेज बन गया। दोस्तों, मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। रोमन रिंग्स जब भी अपना प्रोमो स्मैकडाउन हो या मंडे नाइट रो या पेपर व्यू हमेशा क्राउड से कहते हैं जिस भी स्टेट का नाम लेके एक्नॉलेज मी, जिसके बाद फैंस अपना हाथ उठा के उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। पर रोमन रिंग्स को ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई? दोस्तों, रोमन रिंग्स का ये कैच फ्रेज कैसे बना? साल 2020 में जब रोमन रिंग्स ने अपनी रिटर्न करी, हील टर्न लिया और पॉल हेमन का साथ लिया, उसके बाद रोमन रिंग्स और पॉल हेमन एक कमरे में बैठे थे, जो कि पॉल हेमन ने रोमन रिंग्स की डॉक्यूमेंट्री में रिवील करा, जहां पे रोमन रिंग्स ने सिंपली कहा कि इट्स अबाउट टाइम पीपल शुड एक्नॉलेज मी, जिसके बाद पॉल हेमन और रोमन रिंग्स ने इसी कैच फ्रेज को फैंस के सामने प्रेजेंट करा और ये एक आइकॉनिक कैच फ्रेज बन चुका। इसके पीछे का रीजन रोमन रिंग्स का था कि वो चाहते थे कि जितने भी फैंस हैं वो अब उनके काम को एक रिस्पेक्ट दें। आपको याद होगा कि जब वो बिग डॉग के करेक्टर में थे तो रोमन रिंग्स पॉपुलर तो बहुत थे, पर उनके काम को, उनकी रेसलिंग की स्किल्स को, उनके प्रोमो वर्क को, उनकी माइक स्किल्स को इतना सराहा नहीं जाता था जितना आज उनको इज्जत मिलती है। यानी कि साल 2020 में जो उस कमरे में बैठ के रोमन रिंग्स ने कहा था वो यही था कि अब सबको मुझे एक्नॉलेज करना होगा, यानी कि मेरे काम की सबको रिस्पेक्ट करनी होगी। 4 साल बीत चुके, रोमन रिंग्स को सबने एक्नॉलेज करा, पर रोमन रिंग्स आज भी सबको अपने आप को एक्नॉलेज करवाते हैं और ये शायद उनका भी खुद का मोटिवेशन पॉइंट है कि मेरे काम की इज्जत सब करेंगे। यानी कि रोमन रिंग्स का कैच फ्रेज एक अचानक से आया हुआ एक आविष्कार था पॉल हेमन और रोमन रिंग्स के बीच में, जो आज की डेट में एक आइकॉनिक कैच फ्रेज बन चुका। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।